मैं इस्तीफा दे दूंगा दूसरी तरफ वो ये भी बीजेपी की तरफ आजकल काफी अटैक कर रहे हैं मैंने उनसे पूछा आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ेंगे जिस तरह आप शीला दीक्षित के खिलाफ लड़े उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जी ने तो अभी तक यही नहीं बताया कि वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और कहां से तो मैं भी आपसे पहले वही पूछती हूँ कि मोदी साहब जो है वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे निश्चित रूप से मोदी जी चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का ये तय है नंबर वन कहां से लड़ेंगे इसका फैसला सेंट्रल इलेक्शन कमेटी करेगी किससे नरेंद्र मोदी ने इसके पहले भी जब पहली बार वो विधानसभा का चुनाव लड़े थे चीफ मिनिस्टर बनने के बाद तो उसका डिसीजन स्वयं उन्होंने नहीं किया था इसका डिसीजन पार्टी ने किया था तो आप कह रहे हैं कि पार्टी तय करेगी कि नरेंद्र हाँ। मोदी कहां से चुनाव कहां से लड़ेंगे स्वयं नरेंद्र भाई से बात किया है उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी ये तो आप लोगों को फैसला करना है कि मुझे कहां से चुनाव तो अभी यह फैसला नहीं किया गया लेकिन यहां तक आपने दिल्ली की बात की है मैं उसकी चर्चा करना चाहता हूँ कि अब जैसे आपकी गवर्नमेंट है यहां पर श्री केजरीवाल यहां के मुख्यमंत्री हैं मैं तो यह चाहता हूं कि, कि वह एक स्टेबल गवर्नमेंट यहां पर चलाएं लेकिन यह भी सच है कि दिल्ली की जनता ने आपको सरकार चलाने का मैंडेट नहीं दिया था मैंडेट यदि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को तो मिला था आपको लगता है आप लोगों ने गलती आप, आपने गलती की नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, 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 बिल्कुल गलती नहीं क्योंकि हम कांग्रेस का सपोर्ट किसी भी सूरत में नहीं ले सकते थे आप हमको सपोर्ट देने को तैयार नहीं था तो हम हम ऐसा नहीं है कि आज हम ये कहें कि हम कसम खाते हैं कि हम कभी भी कांग्रेस का सपोर्ट बीजेपी का सपोर्ट नहीं लेंगे न सपोर्ट देंगे और बाद में हम सरकार बनाने के लिए कांग्रेस का सपोर्ट ले लें यह कम से कम भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी लेकिन यदि उन्होंने गवर्नमेंट बना ली है तो मैं यही चाहूंगा कि वह एक स्टेबल गवर्नमेंट यहां की दिल्ली की जनता उनकी लोकपाल बिल का समर्थन बीजेपी देने के लिए तैयार है बिल तो आने दीजिए हम तो चाहते हैं कि करप्शन रुकना चाहिए जितना कठोर से कठोर कानून बन सके बनना चाहिए और इसकी मिसाल इस देश के इतिहास में पहली बार यदि किसी पोलिटिकल पार्टी ने पेश की है तो भारतीय जनता पार्टी ने पेश की है खंडूरी जी हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा जन लोकपाल बिल पास किया था कि उनका अभिनंदन करने के लिए अन्ना हजारे साहब और पूरे वो जो, जो सिविल सोसाइटी के सब सारे लोग वहां पर गए हुए थे बीजेपी पर काफी शार्प अटैक आ रहे हैं आजकल आम आदमी पार्टी की वो कहते हैं कि भाई जो ये हमने एफआईआर दर्ज किया है जिसमें हम वीरप्पा मोयली मुकेश अंबानी और मुरली दियोरा के खिलाफ हम दर्ज करना चाहते हैं बीजेपी इस, इस इशु पे सॉफ्ट है उनका आरोप है कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट जो है वो मोदी जी की कैंपेन फाइनेंस करते हैं मिस्टर अंबानी का भी नाम लिया है उन्होंने इसमें आप क्या कहें क्या बहुत बहुत ही अनफॉर्चुनेट है ये जो एफ दर्ज कर रहे हैं ड्यू थिंक इट्स गुड स्टेप और डी यू थिंक की अपनी ब्रीफ को एक्सीड कर रहे करें उन्होंने दर्ज कराई है उनके पास कुछ होंगे तो देखेंगे उसे क्या है कैसे है बड़े उसकी जानकारी मुझे पूरी तरह से नहीं है उन्होंने एफ दर्ज कराई है उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी मामला चलेगा क्या होगा उसकी देखी जाएगी कि उसकी लेजिटमेशी क्या है है या नहीं है यह सब सारे फैसले बाद में होंगे हम ही ये क्यों कहें